बच्चों, आज हम शब्द बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अलग अलग वर्णमाला के शब्द लिए हुए हैं। जैसे पहले वर्ण देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ, यहाँ पे लिखा हुआ है आ, यहाँ पे है ई, यहाँ पे है च, यहाँ पे बा और यहाँ पे की, यानी के तीन स्वर अलग अलग लिए हैं, अ, आ और ई। इस तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, यानी के दो जोड़ वाले शब्द देख सकते हो, द त र खा, द ल शा न ना र और म ली, ये शब्द हमने देख लिए। अब आपको इस स्वर में से यह शब्द बने ऐसा शब्द आपको ढूंढना है। जैसे कि पहला शब्द हम लेते हैं अ, तो अ से यहाँ पे कौन सा शब्द लेंगे तो शब्द बन जाता है, वो आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे अ लिखा है तो अदत, ऐसा तो कोई शब्द नहीं बनता। अ से अरखा नहीं, अदल नहीं, आसान नहीं, अनार। हाँ बच्चों, अ से बनता है अनार, अ से अनार, अनार यानी के दाडम, यानी के वो एक फल है। तो अ से अ शब्द से बना ना र, अ से अनार, अनार वो शब्द हमें मिल गया। अब हम देखते हैं दूसरा स्वर जहाँ पे लिखा हुआ है आ, तो हम यहाँ से शब्द ढूंढेंगे और नया शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आ, तो शब्द ढूंढते हैं, पहला शब्द देखते हैं आ द त, अरे वाह हमें शब्द मिल गया आ द त, तो हमारा शब्द बन जाता है आदत। तो हमारा शब्द है आ से आदत, आ द त शब्द मिल गया। अब पहला स्वर था अ, दूसरा था आ और अब हम देखेंगे ई, तो ई स्वर से हम शब्द ढूंढेंगे। तो दत्त वो शब्द तो आ गया है, ई से देखते हैं ई रखा, ऐसा तो कोई शब्द नहीं बनता। तो ई से ई द ल, वैसा भी शब्द नहीं बनता। ई सा न, नहीं बच्चों, ई नार, नार तो हमने अ से अनार में ले लिया है। तो अब देखते हैं ई से इमली, हाँ ये शब्द बन जाता है ई से इमली। तो ई से शब्द हमें मिलता है ई से इमली। तो देख सकते हैं आप, अ से अनार, आ से आदत, ई से इमली, हमारे तीन स्वर तो हो गए। अब हम पहुंचते हैं च स्वर पर, यानी कि अ, यहाँ पे लिखा हुआ है च, तो च से हम फिर से नया शब्द ढूंढते हैं। तो फिर से देखते हैं दत्त, वो शब्द तो आ गया है, फिर से र खा, हाँ तो शब्द हमें मिल जाता है बच्चों। आप देख सकते हैं च से चरखा, तो च शब्द से हमारा नया शब्द हमें मिलता है च से चरखा, च से चरखा, तो हमें शब्द मिल गया है चरखा। पहला शब्द हमारा था अ से अनार, आ से आदत, ई से इमली और च से चरखा। अब हम पहुंचे हैं आ स्वर पर, तो वहाँ पे लिखा हुआ है बा, बा, बा शब्द से हम नया शब्द यहाँ से ढूंढते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा था दत्त, वो तो हमने आदत में ले लिया, अब है रखा, तो वो भी हमने शब्द ले लिया चरखा। उसके बाद लिखा हुआ है दल, यानी कि हमारा पहला वर्ण है बा, बा द ल, हाँ बच्चों, तो हमें शब्द मिल जाता है, क्या शब्द बनता है बा द ल, यानी के बादल, बा से बादल, तो हमें हमारा शब्द मिल गया बा से बादल। अब हमारे पास एक ही स्वर बचा है, वो है ई, तो देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है की, तो अब हमें की से बना हुआ शब्द ढूंढना है। तो फिर से देखते हैं बच्चों, की
तो दत हमने ले लिया है, रखा शब्द वो भी आ गया है दल, तो बादल। अब हमारे पास बचा है सान, यानी के की सा न, द बन जाता है किसान। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने अलग अलग स्वर लेके अलग अलग शब्द लिख के एक नया शब्द बनाया है, जैसे अ से अनार, आ से आदत, ई से इमली, च से चरखा, बा से बादल, की से किसान। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एक मिलाओ दूजा पाओ। हम देखते हैं कि पहले यहाँ पे कई सारे शब्द लिखे हुए हैं, शब्दों के बीच में यहाँ कुछ चबरखियों में कुछ शब्द अंदर लिखे हुए हैं, तो वो हम मिलाएंगे जिसके साथ एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जुड़ जाएगा, यानी कि एक मिलाओ तो दूजा पाओ। पहले हम शब्द पढ़ेंगे, पहले लिखा है यहाँ पे ह ल, दूसरा शब्द लिखा है ह म, का न, त न, म ल, ह द, ह क, र ख, च न, ना म, म न, व न, क र, ज न, चा र, सब शब्द हमने पढ़ लिए। अब हम एक एक शब्द को देखेंगे। जैसे मैंने ये शब्द खोला तो ये वर्ण खोला तो हमको देखने को मिलता है ट ह ल शब्द बन गया, कौन सा शब्द टहल। अब हम फिर से एक शब्द जोड़ेंगे तो शब्द बन जाता है कटहल, कटहल। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हम, तो मैं शब्द खोल रही हूँ र, तो हमें शब्द मिलता है रहम। अब हम आगे देखते हैं तो शब्द हमें मिल जाता है मरहम, तो वो भी एक शब्द मिल गया मरहम। एक मिलाओ तो दूजा पाओ, एक के साथ दूसरा शब्द जुड़ने से एक और शब्द हमें मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है का न, अब हम दूसरा शब्द देखे तो यहाँ पे लिखा है म, म वर्ण जुड़ने से यहाँ पे शब्द बन जाता है मकान। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है त न, तो अब हम और एक शब्द देखे तो बन जाता है वतन, हमें शब्द मिल गया वतन। आगे देखे यहाँ पे लिखा हुआ है म ल, एक और वर्ण उसके साथ जुड़ने से शब्द बन जाता है कमल, यानी के कमल। ठीक है, आगे देखे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हद, एक और वर्ण उसके साथ जुड़ने से बन जाता है नया शब्द, क्या शब्द बना बच्चों सहद। आगे शब्द लिखा हुआ है ह क, हक, उसके आगे एक और वर्ण जुड़ने से शब्द बन जाता है दहक, दहक। आगे देखे तो यहाँ पे लिखा हुआ है र ख, उसके आगे एक और वर्ण जुड़ने से शब्द बन जाता है पर ख, कई सारे शब्द हमने देखे। आगे और देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है च न, तो उसके आगे एक और वर्ण है, हम देखेंगे कि वो वर्ण जुड़ने से एक और शब्द हमें नया मिल जाता है, तो देखते हैं क्या लिखा है व, तो शब्द बन जाता है वचन, शब्द मिल गया वचन। सही बात है, एक मिलाओ तो दूजा पाओ। यहाँ पे शब्द लिखा है ना म, अब हम देखते हैं और एक वर्ण जुड़ने से क्या शब्द बन जाता है, तो शब्द बनता है इनाम। हाँ बच्चों, हमें शब्द नया मिल गया इनाम। और आगे देखते हैं, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है म न, तो वर्ण हम देखे तो एक और नया शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाता है च म न। अरे वाह, एक मिलाओ दूजा पाओ, बहुत सारे शब्द मिल गए। यहाँ पे लिखा हुआ है वन, तो अब हम और एक शब्द ढूंढते हैं। अरे यहाँ पे शब्द बन गया भवन,
आगे एक और शब्द लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा है करम। तो शब्द ढूंढने से हमें मिल जाता है आ, तो शब्द बनता है आ कर। एक मिलाया तो दूजा हमें मिल गया। अब लास्ट में है, यहाँ पे लिखा है ज न, तो वर्ण हम देखते हैं क्या लिखा है ब, तो हमारा शब्द बन जाता है ब ज न। अब और लास्ट में अब एक ही बचा है, वहाँ पे लिखा है चा र, तो एक और वर्ण मिलाने से यहाँ पे हमें नया शब्द मिल जाता है अचार। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि एक मिलाओ दूजा पाओ, शब्द यहाँ पे लिखा हुआ था हल, तो हमें मिल गया कटहल। हम लिखा था तो वहाँ पे हमें शब्द मिल गया मरहम। कान शब्द लिखा था तो वहाँ एक और वर्ण जुड़ने से शब्द बन गया मकान। तन लिखा हुआ था तो वहाँ शब्द बन जाता है वतन। इसी तरह से कमल, शहद, दहक, परख, वचन, इनाम, चमन, भवन, आकर, भजन, अचार, कई सारे शब्द हमें मिल गए। थैंक यू।